नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे यहाँ पर मैं प्लांट लाई हूँ, मनी प्लांट है जिसे मनी कहा जाता है दोस्तों, और ये बहुत ही घर के लिए शुभ पौधा होता है। कहा जाता है कि मनी प्लांट घर में अगर ग्रोथ बढ़ती है तो बहुत ही अच्छा होता है, आपको लक्ष्मी का संकेत मिलता है, धन बढ़ने का संचार होता है। तो मनी प्लांट घर में लगाना जरूरी होता है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि मनी प्लांट के ज़्यादा से ज़्यादा घना बनाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को फॉलो करना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट भी मिलता है। तो इसको क्या क्या चीज़ फॉलो करना पड़ता है तब मनी प्लांट आपका एवर ग्रीन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर नया है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ जो मनी प्लांट मेरा है कितना हेल्दी है, भूसी है और बिल्कुल ग्रीन है और बिल्कुल ये स्वस्थ है। तो एक मनी प्लांट यहाँ भी मैं लगाई हूँ जो बेल की तरह इधर चढ़ा हुआ है। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, घना भी बना सकते हैं। तो दोस्तों किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें मनी प्लांट बहुत अच्छी अच्छी तरह से ग्रोथ विकास आ सके। तो इसको सबसे पहला बात होती है कि आपको धूप में इसे नहीं रखनी है। इसे धूप में डायरेक्ट रखने से दिक्कत होती है, इसकी पत्तियां जलने लगती है, बर्न होने लगती है और बहुत ज़्यादा इसमें विकास नहीं होता है और ग्रोथ रोक देती है। इसे आपको अगर पानी में लगाते हैं और गमला में लगाते हैं तो दोनों में अंतर क्या होती है कि अगर गमला में लगाते हैं तो जल्दी बढ़ता है, क्योंकि जल्दी बढ़ता है इसमें मिट्टी रहती है, मिट्टी में इसका सारा तत्व नमी मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। जैसे देखिए कि यहाँ कितना ज़्यादा इसमें लेयर आया हुआ है और घनत्व भी बढ़ रहा है। तो मैं आज पानी में भी ग्रो करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको करती हूँ, और आपका यहाँ कौन सा खाद मैं डालती हूँ इसके बारे में भी बताऊँगी दोस्तों। तो देखिए कि यहाँ इसको कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ है। तो दोस्तों करनी क्या होती है, इसे धूप से बचानी है। आप इसे इंडोर रख सकते हैं, ज़्यादा धूप में नहीं रखें, साइड में रखें। इसको सबसे बात होती है कि आपको इसको समय समय पर गुड़ाई कीजिए। इसे पोरस मिट्टी होती है, नमी बनाती है और रूट करती हैं तो आपको नया नया इसमें रूट आती है, और नया डेवलप होने पर रूट डेवलप होगा तो आपका विकास अपने आप बढ़ने लगेगा। तो इसको क्या करना है कि आपको समय समय पर इसको गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गुड़ाई करने के बाद इसमें क्या करना है आपको कि थोड़ी सी आपको कोई खाद डालनी पड़ती है ताकि इसको विकास ज़्यादा हो। तो यहाँ जैसे देखिए कि इसमें जगह भी नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा इसमें घनत्व है और पूरा गमला ये फैला हुआ है। तो इसे आपको ध्यान रहे कि अगर आप मनी प्लांट लगाए हैं तो ज़मीन पर इसे नहीं पसरने दें। ज़मीन पर ये पसरना नहीं जाता है क्योंकि इससे धन का बहुत ज़्यादा कमी होने लगता है। ऐसा नहीं है कि कमाना नहीं पड़ेगा, एक संकेत होता है। तो आपको इसे ज़मीन पर पसरने नहीं देना है, आपकी ऊपर की ओर इसे बढ़ानी है। आपको इस तरह से हो तो आप ऊपर आप लगा दें, ऊपर बेल की तरह चढ़ जाएगा, आप जैसे भी इसको ऊपर ही करना है। इसको फिर क्या होता है कि आप पिंचिंग इसको बराबर करना पड़ता है। पिंचिंग आप करिए तो आपका बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ होती है। अगर कटिंग से लगाते हैं तो इसको नोड एरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसको पानी में कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगी दोस्तों कि पानी में कैसे लगाते हैं। और इस तरह से पत्ती, एकाध पत्ती आपको नज़र आए तो तोड़कर हटा दिया करें, नहीं तो एक पत्ती से आपको बहुत ज़्यादा अगर कीड़ा लगेगा तो सगरो पूरा तरह आपको ख़राब होने का चांस हो जाता है। तो इस तरह से आपको करनी है दोस्तों। और करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें न्यूट्रिशन देना है। तो इसको ज़्यादा नाइट्रोजन पसंद है, नाइट्रोजन इसको दीजिएगा तो आपको एक महीना पर नाइट्रोजन इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको कट करना है, कट करने के बाद आपको इसको पानी में लगानी है। तो मैं यहाँ एक प्लांट काट ली हूँ, एक टहनी काटी हूँ और इसको मैं पानी में ग्रो करूँगी। तो ग्रो करना कैसे है उसके बारे में भी बताऊंगी दोस्तों। तो एक प्लांट और भी मैं काट लेती हूँ। जैसे इसका भूसी भी बनाना है तो पिंचिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो इस तरह से काटने के बाद आपको क्या करना है कि आप कोई कंटेनर में, आपको जैसे शीशा का होना चाहिए, चाहे बोतल हो या आपको गिलास हो, कोई चीज़ में भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से काटने के बाद एक पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा लीजिए और इसको जेल कर निकाल के और इस पानी में डाल दीजिए। तो इसको बहुत ज़्यादा विकास होता है। और इसको जेल को इस तरह से घोर दीजिए निकालने के बाद। जैसे देखिए कि मैं यहाँ इसको जेल को निकाल दी हूँ, निकालने के बाद इसको इस तरह से डालकर इसमें छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद इसमें मैं कटिंग द्वारा इसे तैयार कर लूँगी, क्योंकि मेरा प्लांट तो ऐसे ही चलते रहता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको कटिंग में लगाना है, तो आप जैसे भी लगा सकते हैं। आपको इसमें एडजस्ट करना होता है कि आप कैसे इसमें एडजस्ट करेंगे। और इस तरह से आप छायादार जगह पर रखें, इसको धूप में नहीं रखें। तो इस तरह से कटिंग लगा दें ताकि आपको बहुत आराम से इसको जल्दी, एक हफ्ता में इसको रूट नीचे बनने लगेगा और बहुत अच्छा तरह से इसको विकास होने लगेगा। तो दोस्तों कटिंग लगाना इससे बिल्कुल आसान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको मिट्टी में जल्दी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से पानी को देखिए कि मैं नीचे की ओर इसको डाल दी हूँ और एलोवेरा के सहारे, एलोवेरा से बहुत ज़्यादा इसको ग्रोथ आ जाएगी। तो इस तरह से आप लगाकर टेबल पर रख सकते हैं, आप इंडोर कहूँ भी रख सकते हैं, आप जैसे आपको मर्जी उसको आप रख दें। तो ये आपको ग्रोथ विकास बनाने लगेगी। अगला वीडियो मैं बनाई थी, उससे मैं एक से अनेक मनी प्लांट कैसे बनता है उसके बारे में भी दिखाई हूँ कि गमला में आपको कैसे बनाना है। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं कि मैं उसको कैसे ग्रोथ बढ़ाई हूँ और कैसे एक प्लांट से दो प्लांट बनाई हूँ। दोस्तों इसको फिर क्या करनी पड़ती है कि आपको डायरेक्ट तो धूप में रखना ही नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की आप रख सकते हैं। इसको पिंचिंग करने के बाद इसमें कुछ खाद दीजिए, जैसे गुड़ाई हो गई, पिंचिंग हो गई, तो इसको खाद भी देना ज़रूरी होता है। तो आपको नाइट्रोजन वाला खाद यहाँ देना ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे मैं बता रही हूँ कि जो खाद मैं दे रही हूँ उसमें क्या मिलाई हूँ। तो इसको सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा इसमें तत्व मिला हुआ है दोस्तों, जैसे गोबर की खाद है, इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सम साल्ट है। तो सब मिलाकर मैं 24 घंटा के लिए छोड़ी थी, उसके बाद इसमें प्लांट में मैं डाल रही हूँ। तो मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा इसे एवरग्रीन रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। तो इस तरह से आप खाद बनाएं घर पर, जैसे सूखी हुई चाय की पत्ती हो उसको आप खौला कर पानी को छान कर थोड़ा सा रख लें और इसको आपको थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद मिला दे 2 चम्मच। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा एप्सम साल्ट, बस थोड़ा सा एकदम 2-3 दाना, ज़्यादा बस 1 टीस्पून नहीं, 1/2 टीस्पून देना है। अब मिलाकर छोड़कर आपको इस तरह से खाद को तैयार करनी है, उसके बाद इसमें डाल दीजिए। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।